Take a deep breath in. And release. Take a deep breath in. Hold kare us breath ko and then very gently release. Kuch samay ke liye hi sahi apne aas paas ki duniya, ghar ke kaam, ऑफिस की टेंशन सब छोड़ दीजिए. लेट इट ऑल गो. जिन्हें बैठने में दिक्कत हो रही है, प्लीज मेक श्योर आपके पीछे एक बैक रेस्ट है ताकि आप आराम से अपनी मेडिटेशन कर पाए. कोई डिस्ट्रैक्शन है, कोई पीछे से बातचीत कर रहा है, कुछ भी हो रहा है, जस्ट इमेजिन कि वो बैकग्राउंड नॉइज है और वो आपके ट्रांस को, आपके फोकस को और डीप कर रहा है. एवरीबडी जस्ट रिलैक्स, जस्ट सेटल डाउन. ये कुछ समय सिर्फ आपका है. रिवेल इन इट. छीन लो इस समय को सबसे अपने लिए. बिकॉज अगर आप 100% नहीं है तो कोई भी नहीं है. ना आपकी फैमिली, क्लाइंट, एम्प्लॉय, बच्चे, स्पाउस, कोई भी. टेक अनदर डीप ब्रेथ इन और जब आज सांस छोड़े, लेट गो ऑफ ऑल दैट यू डोंट नीड. Release. Breathe in and let go. आज हम एक बहुत डीप हीलिंग करेंगे. एक डीप हीलिंग जो आपके अपने एनर्जी फील्ड को क्लेंज करेगी. तो विजुअलाइज करें आप एक बोट में है, एक छोटी सी नाव, एक लेक है या फिर शायद एक नदी है. पूर्णिमा का चांद अपनी चंचल शीतल किरणें पूरी सृष्टि पर, आप पर ऐसे बरसा रहा हो मानो ईश्वर को, ईश्वर के प्रेम, ईश्वर की देन, ईश्वर की दया दृष्टि बरसा रहा है. अब्सॉर्ब दैट एनर्जी. उस लाइट को अब्सॉर्ब करें, उस डिविनिटी को अब्सॉर्ब करें. Absorb and relax further. लेकिन क्या आपने देखा कि इस बोट में कोई पतवार नहीं है, ओर नहीं है? ये नाव अपने आप चलती चली जा रही है, कभी लेफ्ट कभी राइट, एक स्टेडी पेस पे, मानो कि उसको पता है उसे कहाँ जाना है. तो रिलैक्स करिए, बैठ जाइए और सरेंडर कर दीजिए अपने आप को टू द डिवाइन क्रिएटर ऑफ ऑल दैट इज. वो नाव आगे बढ़ती चली जाती है. इट कीप्स ऑन मूविंग फॉरवर्ड. And it reaches a sudden shore. एक ऐसा तट
जो आपने देखा ही नहीं था कि वो है। उस तट पर बाहर निकलिए। और एक दरवाजा खुलता है। जब आप उस दरवाजे की तरफ चलना चालू करते हैं तो आपको ऐसा लगता है मानो खुद ईश्वर ने आपकी तरफ एक हाथ बढ़ाया है और आपको कह रहे हैं आओ। उस जगह में, उस जगह के एनवायरनमेंट में सिर्फ दिव्यता है, डिविनिटी, सौम्यता है, विवेक है, हीलिंग है। वॉक इन टू दैट डोर नाउ। जैसे जैसे आप उस दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं आप देखते हैं कि अंदर कुछ लोग भी हैं। ये वो लोग हैं जिनकी शक्ल आप नहीं देख सकते। इनकी शक्ल पे मानो एक मिस्ट है, एक धुआं है जो इन आपको देखने ही नहीं दे रहा ये कौन है। लेकिन जो भी है इनमें एक एंजेलिक डिवाइन अनुभूति है। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड वॉक टुवर्ड देम। उनकी तरफ चलिए। एज यू वॉक फॉरवर्ड दे टेक योर हैंड। वो आपका हाथ पकड़ते हैं और बड़े प्यार से, बहुत स्नेह से वो आपको आगे लेकर जाते हैं जहां एक क्रिस्टल का काउच है, सोफा जैसा है, या फिर समझो एक बेड ही है। और वो आपसे कहते हैं उस क्रिस्टल पे के बेड पे लेट जाओ। आप जब वहां जाते हो और बैठते हो तो जब आप उस क्रिस्टल के बेड को छूते हो तो थोड़ा वो आपको ठंडा लगता है, पर जैसे ही आप बैठते हैं मानो कोई मैजिक हुआ हो और वो बेड एकदम वार्म एंड कंफर्टेबल है। उस पे बैठ जाइए और आराम से धीरे से लेटिए। अब आपके पास एक सफेद रंग के गाउन में एक प्रीस्टेस आती है। साध्वी कहो, हाई प्रीस्टेस कहो, गॉडेस कहो, कौन है ये तो मैं नहीं कह सकती, पर ये जो भी है बहुत पावरफुल है और आपकी हीलिंग करना चाहती है, आपको वेलनेस, ब्लेसिंग, अबंडेंस देना चाहती है। तो ये आपसे पूछती है, आर यू रेडी एंड विलिंग टू गिव अप एंड हील योरसेल्फ? Are you willing to surrender to the divine? क्या आप तैयार हो अपना अहम, अपना गुस्सा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना डर, सब कुछ छोड़कर हील होने के लिए, क्रिएटर के पाथ पर चलने के लिए? अगर आप अग्री करते हैं तो उन्हें हाँ बोल दीजिए। जब वो आपकी हाँ सुनती है तो वो स्माइल करती है और धीरे से आपकी हाथों आंखों पर अपना हाथ रखते हुए आपकी आंखों को बंद करती है और आपसे कहती है रिलैक्स एंड रेस्ट। उनके पीछे पीछे सेवन प्रीस्टेसेस और आती है। एक ने रेड कलर का गाउन पहना है, रोब पहना है, एक ने ऑरेंज, एक ने येलो, एक ने वायलेट, एक ने इंडिगो, एक ने ग्रीन, मानो इंद्रधनुष के रेनबो के सारे कलर्स वहां इकट्ठे हैं। जो रेड कलर के रोप पहने की प्रीस्टेस होती है वो आप तक आती है और एक वॉन्ड निकालती है, एक स्टाफ निकालती है और आपके रूप चक्रा की तरफ इस स्टाफ को लेकर आती है। मूल आधार चक्र, वो चक्र जो हमारी जिंदगी की नेसेसिटीज, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, बेसिक नीड्स, फेयर रिलेशनशिप विथ फादर,
इन सब को इन्फ्लुएंस करता है और इन सब से इन्फ्लुएंस होता है। जैसे ही वो क्रिस्टल आपके मूलाधार चक्र या फिर रूट चक्र की तरफ आता है, एक रोशनी आती है और आपका वो चक्र हील होने लगता है। और वो प्रीस्टेस आपसे पूछती है, बताओ तुम्हारा पैसे से क्या डर है, पैसे को लेकर क्या डर है। स्टार्ट टेलिंग हर एंड स्टार्ट रिलीजिंग। अब वो जो जो आपसे पूछे उनको जवाब देते जाइए। क्वेश्चन उनके तरफ से मैं पूछ रही हूँ, आंसर आप उन्हें देंगे। जो आंसर आप उन्हें देंगे आज वो हील होता जाएगा, वो एस्पेक्ट आपकी जिंदगी का हील होगा। और मैं यहाँ से एडिशनल हीलिंग दूंगी ताकि आज का ये प्रोसेस आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आए। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो वो आपसे पूछते हैं, पैसे को लेकर सबसे बड़ा डर क्या है? उन्हें बताइए। दूसरा क्वेश्चन, आपको सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है? तीसरा क्वेश्चन, क्या आपको ये विश्वास है कि आपके ईश्वर, आपके क्रिएटर, आपके डिवाइन आपकी हर छोटी बड़ी नीड को फुलफिल कर देंगे सही समय सही तरह से? क्या आपकी कोई कंप्लेंट है अपनी लाइफ के मेल एनर्जीज के साथ? मेल एनर्जीज में आपके फादर, ब्रदर, हस्बैंड, बेटे, फादर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ कोई भी हो सकते हैं। जैसे जैसे आप जवाब देती हैं, वो रेड क्रिस्टल की जो एनर्जी है वो बहुत स्ट्रांग होती जाती है और आपको ऐसा लगता है कि कोई मानो आपके शरीर से वो डर, वो सोच ही निकाल दे रहा है जिसने आपको इतने साल इतना परेशान किया है। तो अगले कुछ मोमेंट्स तक उस एनर्जी को रिलीज करिए, लेट इट ऑल गो। फिर एक और प्रीस्टेस आती है, उनके हाथ में एक स्टाफ है जिसपे बहुत ही सुंदर सा एक ऑरेंज क्रिस्टल है और वो आती है और इस क्रिस्टल को रखती है आपके सोलर प्लेक्सस चक्र पर। सोलर प्लेक्सस चक्र बताता है हमारी लाइफ के बारे में, इन्फ्लुएंस करता है हमारे रिलेशनशिप को विद आवर ओन सेल्फ एंड विद द वर्ल्ड अराउंड अस। ये चक्र हमारी जिंदगी में फ्लूइडिटी, क्रिएटिविटी, फ्लो, इमेजिनेशन, फैंटेसी और बहुत कुछ लाता है। पर सबसे ज्यादा जरूरी एक एस्पेक्ट जो इस चक्र का है वो है रिलेशनशिप विद मदर।
वो प्रीस्टेस आपसे पूछती है, व्हाट आर यू विलिंग टू लेट गो? क्या आप अपनी रिजिडिटी, रिजिडिटी इन एक्शन, रिजिडिटी इन स्ट्रक्चर, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, रिजिडिटी इन थॉट, मैं जो बोल रही हूं, मैं जो बोल रहा हूं वो ही सही है और कुछ नहीं है, क्या क्या छोड़ने को तैयार हैं आज आप, बताइए उन्हें। क्या मम्मा से कभी कंप्लेंट थी दैट यू आर नॉट इनफ? रिलीज इट, व्हाटएवर कम्स टू यू इन रिलेशन, जस्ट लेट इट गो। अगर आपको लगता है मैं क्रिएटिव कम हूं तो बताइए उस प्रीस्टेस को। और जैसे जैसे आप उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, वो येलो क्रिस्टल आपके सोल सेक्रल चक्रा को हील करता है। Feel your chakra spinning as it is cleansed and healed. फिर तीसरी प्रीस्टेस आती है जिन्होंने येलो कलर का क्रिस्टल हाथ में लिया है और वो आपके सोलर प्लेक्सस यानी कि स्वादिष्ठान चक्र की तरफ आती है। स्वादिष्ठान चक्र, सोलर प्लेक्सस, ये वो चक्र है जो हमारी पर्सनल पावर, कंट्रोल, विल, इन सब चीजों को इन्फ्लुएंस करता है और जब हम अपनी पावर दे देते हैं तो उससे इन्फ्लुएंस होके ब्लॉक भी हो जाता है। ये वो चक्र है जिसके इन्फ्लुएंस में आप अपनी आइडेंटिटी खोजते हैं। तो आज ये प्रीस्टेस आपसे पूछती है कि क्या आप अपनी आइडेंटिटी गिव अप करने को रेडी हैं? जो आइडेंटिटी आपने एज अ चाइल्ड, एज अ डॉटर, सन, स्पाउस, पेरेंट, ब्रदर और सिस्टर, एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर बनाई है, और क्या इस आइडेंटिटी को छोड़कर आप अपनी सोल आइडेंटिटी, डिवाइन आइडेंटिटी को लेने को, एक्सेप्ट करने को रेडी है? क्योंकि दो आइडेंटिटी हम एक साथ नहीं होल्ड कर सकते। अगर हमें डिवाइन आइडेंटिटी को लेना है, एक्सेप्ट करना है, तो इस क्षणिक टेम्पररी ह्यूमन आइडेंटिटी को गिव अप करना होगा। और गिव अप करने का मतलब क्या होता है पता है? उससे अटैचमेंट छोड़ना होगा। आइडेंटिटी तो रहेगी पर उस आइडेंटिटी से अटैचमेंट हम छोड़ देंगे, चेंज विल बिकम इजियर, ट्रांसफॉर्मेशन विल कम, ग्रोथ विल कम। आर यू विलिंग टू लेट गो? टेल द प्रीस्टेस यस और नो। Then she asks you, क्या आपने जो अपनी जिंदगी की रिमोट कंट्रोल, अपनी जिंदगी में डिसीजन पावर, अपनी जिंदगी के यस और नो बोलने की पावर हर अगल बगल वाले को दी हुई है, हर घर वाले को दी हुई है, क्या आप आज उस पावर को वापस लेने को रेडी है? आर यू रेडी एंड विलिंग टू टेक दैट पावर बैक? For a yes or a no. और लास्ट में वो एक क्वेश्चन आपसे और पूछती है,
क्या जो पावर आज आप वापस ले रहे हैं उसको आप डिवाइन विल एंड डिवाइन पेशेंस के साथ यूज करेंगे, या फिर जैसे आज तक अपनी पावर्स को मिसयूज करते आए हैं आज भी वैसा ही करेंगे? What is it that you desire? Tell her that. With your answers, the crystal gives out light and solar plexus ki healing starts happening now. Feel the healing. Feel the chakra giving up what it doesn't need and taking back what it needs. और अब आती है फोर्थ प्रीस्टेस, जिनके हाथ में बहुत ही सुंदर सा स्टाफ है विद अ ग्रीन हार्ट शेप्ड क्रिस्टल। वो आपसे पूछती है, इस दिल को जिसको तुमने बंद कर दिया है पेन से, ट्रॉमा से, ग्रीप से, आर यू विलिंग टू ओपन इट? Are you willing to let go of all this pain? ये पेन जो तुम्हें लगता है तुम्हें दुनिया ने दिया है, पर है तो तुम्हारा ही, चाहे तुमने उसे आज बोया है, चाहे 5 जन्म पहले, चाहे 10। Are you willing to let go and release of whatever you don't need? क्या हर वो perception of pain, trauma, irritation, jealousy आप छोड़ने को रेडी हो? उन्हें जवाब दीजिए। एंड देर आर 2 or 3 पीपल जो ये प्रीस्टेस को कह रहे हैं इस वक्त दैट ये मेरा नहीं है, कि किसी और ने मुझे दिया है। सो हियर आई एम, द प्रीस्टेस वांट्स टू टेल यू एंड सो डू आई, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे हम गेस्ट हाउस, हमारा घर गेस्ट हाउस नहीं होता जहां पे लोग सालों साल आके रहते हैं, वैसे ही हम किसी और का कुछ नहीं रखते। जो भी हमारे अंदर रहता है वो हमारा अपना होता है। इफ यू वांट चेंज, इफ यू वांट हीलिंग, इफ यू वांट ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सेप्ट इट एंड रिलीज इट, बिकॉज जो चीज आपकी नहीं होती आप उसको रिलीज नहीं कर सकते। फिर वो प्रीस्टेस आपसे पूछती है, आर यू विलिंग टू एक्सेप्ट योर सेल्फ जस्ट एज यू आर, अपने हर ट्रॉमा के साथ, अपनी हर गलत आदत, गलत सोच के साथ? क्या तुम अपने आप को एक्सेप्ट कर सकते हो, करने को रेडी हो? इफ येस, टेल द प्रीस्टेस। एंड जैसे ही प्रीस्टेस को आपके जवाब मिलते हैं, आपकी हीलिंग शुरू हो जाती है। तो गिव इट अ फ्यू मोमेंट्स एंड लेट योर हार्ट चक्रा हील। The next priestess comes up with a blue crystal. ऐसा लगता है उस क्रिस्टल को देखकर जैसे मानो
आकाश की गहराई और असीमता इसमें आ गई हो और वो आपसे पूछती है कि क्या आप अपने वॉइस को, अपने एक्सप्रेशन को प्योर करना चाहेंगे? क्या आप ये चाहेंगे कि हर शब्द जो आपके मुंह से निकले वो ईश्वर का शब्द हो और आपका नहीं? क्या ये विशुद्धि चक्र इस तरह क्लेंस चाहेंगे आप कि इससे कभी किसी का बुरा, कभी किसी का पेन ना बढ़े, कभी किसी की तरफ कुछ और नहीं जाए, सिर्फ पॉजिटिविटी, लव, एंजॉय जाए? आर यू विलिंग टू लेट गो ऑफ वर्ड्स, थॉट्स एंड एक्सप्रेशन ऑफ पेन, एंगर, रिजेंटमेंट, जेलसी, एनवी, डिसएम्पावरमेंट, बिलिटलिंग एंड मोर? आर यू विलिंग टू स्पीक अप for your truth? Are you willing to express your truth? Majboori mein nahi, victimization se nahi, but with strength, with creative energy. Are you willing to forgive yourself for taking people's humiliation, insult, anger? Are you willing to forgive yourself for speaking ill, expressing ill about others? Please state your answers clearly. And the healing starts now. जिसका गला चोक हो रहा है, खांसी आ रही है, अलाउ इट टू हैपन. खांसी आ रही है, खांस लो. उबासी आ रही है, यॉन कर लो. इफ यू वांट टू रिलीज अ ब्रेथ फ्रॉम योर माउथ, रिलीज इट. अलाउ दिस ब्लॉक टू रिलीज. हो सकता है आपको गले में डिस्कम्फर्ट, इरिटेशन, पेन लगे. प्लीज इग्नोर इट एंड लेट इट कम आउट. उसको रोकना मत, निकलने दो उस एनर्जी को. जिसको लग रहा है मेरा गला सूख रहा है, अगर बिना उठे आप पानी पी सकते हैं अपनी जगह से तो पी लीजिए, बट डोंट गेट अप नाउ इन द मिडल. अगली प्रीस्टेस आती है विद एन इंडिगो स्टोन, और उस इंडिगो स्टोन में ऐसा लगता है जैसे रात का आकाश और मानो समुद्र के पानी का ब्लू आकर मिल गया हो. द डेप्थ, द इंटेंसिटी ऑफ द स्टोन टचेज योर हार्ट और वो आपसे पूछती है, क्या आप अपने इंट्यूटिव पावर्स को ट्रस्ट करने के लिए रेडी है? आर यू विलिंग टू ट्रस्ट डिवाइन इंट्यूशन बिफोर योर आईसाइट? क्या आप उस नॉन फिजिकल वर्ल्ड में दूरदर्शिता से देखना चाहते हैं, विजनरी बनना चाहते हैं? क्या आप अपने साइकिक स्किल, क्लियर सेंसेस, इनको जागरूक करना चाहते हैं? प्लीज गिव योर आंसर. एंड द हीलिंग स्टार्ट. जैसे ही वो क्रिस्टल आपके माथे पे छूता है, थर्ड आई को छूता है, हीलिंग शुरू हो जाती है.
फिर लास्ट प्रीस्टेस आती है. शी ब्रिंग अ वायलेट क्रिस्टल टू योर क्राउन चक्रा एंड आस्क यू, आर यू विलिंग एंड रेडी टू कनेक्ट विद द डिविनिटी? क्या आप तैयार हैं तन और मन से, अपने ईश्वर से, अपने क्रिएटर से कनेक्ट होने के लिए? क्या आप डिवाइन विल, डिवाइन ग्रेस, डिवाइन पेशेंस, डिवाइन ग्रैटिट्यूड, डिवाइन टाइम, सब कुछ कबूल करते हैं? डू यू एक्सेप्ट इट? इफ यस, प्लीज टेल हर यस. और जैसे ही उनको आपका आंसर मिलता है, वो उस क्रिस्टल को आपके क्राउन चक्रा पर रखती है एंड द हीलिंग स्टार्ट. अब जो फर्स्ट प्रीस्टेस थी, जिन्होंने आपसे सबसे पहले बात करी थी व्हाइट रोब में, वो आपसे आके एक क्वेश्चन पूछती है. आपकी बॉडी से जितनी नेगेटिव एनर्जी निकली है, आपके चक्र से जितनी एनर्जी निकली है, अगर आपको उसको एक जगह भेजना हो जहां वो आपकी बेस्ट हेल्प कर पाए, दुनिया की बेस्ट हेल्प कर पाए, तो आप उसे कहां भेजना चाहेंगे? क्या आप उस एनर्जी को खेतों में भेजेंगे जहां वो फसल की तरह उगकर आए, माउंटेन्स पर भेजेंगे ताकि पानी और बने, उन क्षेत्रों में भेजेंगे जहां पर हंगर बहुत है ताकि कोई भी भूखा नहीं रहे, सहारा उन जगहों पर भेजेंगे जहां सूखा पड़ रहा है ताकि पानी भर जाए, ओजोन लेयर में भेजेंगे ताकि ओजोन लेयर हील कर जाए, वॉर विक्टिम्स, कोविड विक्टिम्स के पास भेजेंगे, फ्रंटलाइनर्स के पास भेजेंगे, कहां भेजेंगे? उम्मीद भेजेंगे? क्या भेजना चाहते हैं आप? वो आपको हाथ में एक बॉल देती है, उस बॉल में वो सब नेगेटिव एनर्जी है जो आपके बॉडी से निकली है. उस बॉल को होल्ड करिए और क्रिएटर को बोलिए, डियर यूनिवर्स, आई सरेंडर all this negative energy to you, to send it to, boliye kahan par bhejna hai, so that it may bring, aur kya dena chahte hain aap, hope, water, food, kya dena chahte hain boliye, to the world around me, to this planet earth, I take full responsibility of this negative energy and I surrender it to your divine will so that it can be transmuted into love and light. Please forgive me, I'm sorry, I love you and I thank you. Please forgive me creator ki maine ye energy apne andar rakhi aur apni zindagi ki khud problems create kari. I am sorry कि हमेशा मैंने अपने आप को नहीं, हर जने को ब्लेम करा, सिचुएशन को ब्लेम करा, फैमिली को ब्लेम करा, बट अपने आप को देखा भी नहीं. आई लव यू फॉर कमिंग इन टू माई लाइफ एंड गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू चेंज, टू रियलाइज व्हाट इज हैपनिंग, एंड थैंक यू फॉर लेटिंग मी हील एंड मूव बियॉन्ड टू वर्क टुवर्ड्स ट्रांसफॉर्मेशन. प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, I love you, I thank you. Please forgive me, I'm sorry. I love you, I thank you. Please forgive me, I'm sorry. I love you and I thank you. तब तक रिपीट करो जब तक हर सेल में आपकी बॉडी के, हर कण में आपके ऑरा के ये चार सेंटेंसेस गूंज ना हो जाए, गूंजे नहीं, भर नहीं जाए.
रोम रोम से सिर्फ एक वाइब्रेशन निकलनी चाहिए. प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, आई लव यू एंड आई थैंक यू. प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, आई लव यू एंड आई थैंक यू. जब आप रेडी हो तब इस बॉल को कुछ रिलीज कर दे. आपके हाथ से खुद ही उड़कर चली जाएगी ये बॉल आपके क्रिएटर के पास, डिवाइन फादर के पास, डिवाइन मदर के पास, और वहां से इसको इसका सही घर, सही प्लेस मिल ही जाएगा. रिलीज इट एंड सरेंडर टू द डिवाइन. जब आपकी बॉल आपके हाथों से चली गई हो तब धीरे से क्रिस्टल बेड पे से उठिए. सब प्रीस्टेसेस को थैंक यू बोलिए और धीरे से उस टेंपल से, हीलिंग टेंपल से बाहर आइए टुवर्ड योर बोट. और अपनी नाव में बैठकर घर वापस आना शुरू करिए. जब आप वापस आ जाए तो धीरे से अपनी बॉडी को स्कैन करेंगे और जब 100% रेडी हो तब रब योर हैंड, पुट देम ऑन योर आईज एंड कम बैक. ओपन योर आईज. आई एम गिविंग एवरीबडी 2 to 3 minutes राइट नाउ टू डू द सेम. सो टेक योर टाइम एंड डोंट बी इन अ हर्री.